सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनर्जी के लेक्चर टू की। ठीक है, इसमें एनर्जी का लेक्चर टू होगा ये, जिसमें हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे लिखा है वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? सो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाई अ फोर्स, अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, द वर्क डन बाई अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज, ब्रैकेट में चेंज है, इंक्रीज देन मींस चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कोई भी बॉडी अगर वर्क डन कर रही है, अगर किसी बॉडी के थ्रू वर्क हो रहा है, तो उस बॉडी में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा, वही उस बॉडी के थ्रू वर्क कंप्लीट हुआ होगा। यानी कि जो वर्क डन होगा किसी भी बॉडी का, वो उस मूविंग बॉडी के थ्रू जो उसमें काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट या जो चेंज आ रहा है, वही उसका वर्क डन होगा। तो बेसिकली हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इनटू एस। हमारे पास ये एक जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज एस। तो हमारे पास वर्क का एक जनरल फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे हम जानते हैं कि फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके बाद हम एस की एक वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहां से हम एस की वैल्यू निकालते हैं। सो एस की वैल्यू क्या आएगी, यू स्क्वायर को हम राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, देन इट्स बिकम माइनस, देन एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड दिस इज अपॉन टू ए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एस की वैल्यू है, हमारे पास एफ की वैल्यू है, हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ की वैल्यू क्या है बेटा, एम इंटू ए, एम इंटू ए, और मल्टीप्लाई बाई, सॉरी हाँ, मल्टीप्लाई बाई एस। एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, देन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। इसको हम ब्रैकेट में डाल लेंगे। अब ये एक ए यहां है, एक ए यहां है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, देन इट्स बिकम एम अपॉन टू और इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग डब्ल्यू इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, देखते हैं हम लोग आगे क्या लिखेंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको वन अपॉन टू लिख सकते हैं हम लोग, और एम का मल्टीप्लाई एक बार वी स्क्वायर में करेंगे और एक बार यू स्क्वायर में, एम वी स्क्वायर माइनस फिर वन अपॉन टू एम यू स्क्वायर। तो अगर हम यहां पे देखें, जो हमारा वर्क डन आया वो क्या आया, हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ, सॉरी फाइनल वेलोसिटी के साथ और इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा वर्क डन होता है वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में, मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है। दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि कोई भी मूविंग बॉडी अगर वर्क डन करती है, तो उस बॉडी का जो वर्क डन होगा उस बॉडी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। यानी कि अगर कोई मूविंग बॉडी में काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, जो चेंज होगा वही उसके वर्क डन के इक्वल होगा। ये इस थ्योरम का प्रूव हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है अगर कोई भी मूविंग बॉडी में, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, यही चेंज उस बॉडी के थ्रू डन वर्क होगा। यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। अगर हम बात काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, आइए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के क्या क्या फॉर्म होते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्या होते हैं फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं जनरली देखूंगा तो फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या आते हैं। सबसे पहला आता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? अगर मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को समझना चाहता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये किस टाइप की एनर्जी होती है देखते हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ट्रांसलेशनल की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट लाइन का मोशन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी।
क्योंकि भाई स्ट्रेट लाइन का अगर मोशन हो रहा है तो ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन ही कहते हैं. जस्ट लाइक कार मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ और फ्रीली फॉलिंग बॉडी. जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन में फॉल करती है. अगर कोई कार किसी डायरेक्शन में जा रही है तो वो सीधी डायरेक्शन में जाएगी. तो हम ऐसे मोशंस को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं और ऐसे मोशंस में जो चेंजेस आता है काइनेटिक एनर्जी का उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ऐसे मोशन यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन करते हुए बॉडी अगर कोई कोई एनर्जी पॉज कर रही है दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज कंसिडर्ड एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. उसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. यानी कि वो बॉडी जो रोटेशनल मोशन करती है और रोटेशनल मोशन करते हुए वो बॉडी जिस टाइप की काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी दैट इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. जस्ट लाइक अ स्पिनिंग ए टॉप रोटेटिंग ए व्हील. जब भी कोई चीज अगर मान लीजिए ये एक व्हील है, अगर ये व्हील अपने फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है इस तरीके से, तो ये इस बॉडी में पहले तो मोशन हो रहा है, ये एक रोटेटरी मोशन है और इस रोटेटरी मोशन के थ्रू ये काइनेटिक एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. यानी कि एक रोटेटरी मोशन करती हुई बॉडी हमेशा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी और ट्रांसलेशनल मोशन करती हुई बॉडी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पहले तो ये जान लीजिए वाइब्रेशनल मोशन करने वाली बॉडी हमेशा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को शो करेगी. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. अब ये वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है बेटा? हम लोग रैपिड टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन. ठीक है, तो जो वाइब्रेशनल मोशन होता है वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे बार बार क्या करता है मोशन करता रहता है, दैट इज कॉल्ड द वाइब्रेशनल मोशन. तो जब भी कोई बॉडी वाइब्रेशनल मोशन कर रही है तो उसके थ्रू पॉजेज एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. जस्ट लाइक सेल फोन दैट वाइब्रेट व्हेन इट इज रिंगिंग. जैसे हमारा सेल फोन वाइब्रेट करता है. वाइब्रेशन ऑफ अ ड्रम व्हेन इट इज हिट बाय अ हैमर. जब भी आप ड्रम पे हैमर से या हाथ से कुछ भी आप हिट करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन जनरेट होते हैं. ठीक है, सेल फोन हमारा वाइब्रेशन करता है जब रिंग करता है, तो हम वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी को वहां से रिलेट करते हैं. अब ये तो ठीक बात है काइनेटिकल एनर्जी की. तो काइनेटिक एनर्जी के बाद जो दूसरा मेन फॉर्म आता है एनर्जी का दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी. द फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज पोटेंशियल. पहला काइनेटिक होता है तो दूसरा क्या होता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है? ये रहा हमारा पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी भी बॉडी के लिए? द एनर्जी पॉजेस्ड बाई द वर्चू ऑफ इट्स स्पेसिफिक पोजिशन और चेंज्ड कॉन्फिगुरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. यानी कि कोई भी बॉडी की एक स्पेसिफिक पोजिशन होती है. जनरली ऐसी बॉडियां किसमें होती हैं? रेस्ट की कंडीशन में होती हैं. अब एक स्पेसिफिक पोजीशन, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक पोजीशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें यहाँ दो पोजीशंस के बारे में जानना है और इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करते हैं दो अलग अलग टाइप की और पोटेंशियल एनर्जी में. तो स्पेसिफिक पोजीशन और चेंज कॉन्फिगुरेशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी. तो अब यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के भी दो टाइप होते हैं जो कि इनकी स्पेसिफिक कंडीशन पे डिपेंड करता है. कितने टाइप होते हैं? देयर आर टू काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है? पहली होती है बेटा ग्रेविटेशनल. ठीक है, ग्रेविटेशनल होती है और दूसरी होती है इलास्टिक. दूसरी क्या होती है बेटा? इलास्टिक. आइए थोड़ा सा इन दोनों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये होती क्या? द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? The energy stored in an object due to its position above the earth surface. मतलब the energy stored in an object due to its position above the earth surface is called gravitational potential energy. क्योंकि यहां पर अगर मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है और कोई बॉडी यहां पर है तो, और ये रेस्ट की कंडीशन में, किसमें है बेटा?
रेस्ट की कंडीशन में, तो इस बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मानी जाएगी कि इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी अर्थ के सरफेस से इतनी हाइट पर है, तो कॉज ऑफ हाइट ये अपने आप को रेस्ट की कंडीशन में बनाए हुए है और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट भी ये वहां पे रेस्ट में है, तो इसके पास जो एनर्जी होगी उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में मानते हैं। सो एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन अबव द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस एनर्जी इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब ये फोर्स, ये एनर्जी क्यों होती है ऑब्जेक्ट में? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, इसलिए हम मानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में वो एनर्जी है जो कि उस फोर्स के अगेंस्ट काम करती है। इज दैट क्लियर? दूसरी जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी एनर्जी क्या होती है बेटा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाई स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट बाई एन एक्सटर्नल फोर्स सच एज स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग। जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग है, हम एक स्प्रिंग को दो चीजें कर सकते हैं, क्या? हम इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसे स्ट्रेच करते हैं तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, अगर हम इसे कंप्रेस करते हैं तो इसकी लेंथ में डिक्रीमेंट होगा। लेकिन इन बोथ कंडीशन जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर हमें इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना है तो भी हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, जब हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं तो भी हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जब ये एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाइड होगा तब इसके पोजिशन यानी कि इसकी साइज में चेंजेस आएंगे, ये डिफॉर्म होगी। लेकिन जब वो एक्सटर्नल फोर्स हटेंगे ये वापस से अपनी नॉर्मल पोजिशन में आएगा। कॉज, वो आने का कॉज क्या होगा? कॉज ऑफ इलास्टिसिटी, और यही इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। वो एनर्जी चाहती है कि वापस अपनी सिचुएशन में आए। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाई स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। जब आप उसे स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तब उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है, नॉर्मल में नहीं रहती। अगर स्प्रिंग अपनी नॉर्मल कंडीशन में है तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, जब आप उसे कंप्रेस या स्ट्रेच करेंगे तभी वो इस टेंडेंसी को गेन करता है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अचीव करे, तभी उसमें वो टेंडेंसी आती है और तभी उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आएगा। दैट इन एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट बाई एन एक्सटर्नल फोर्स सच एज स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग। तो जब भी आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन वो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आना चाहती है, जिसकी वजह से इसका मतलब उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आप उसे स्ट्रेच भी करते हैं तो भी वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करना चाहती है, कॉज ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? तो अब ये जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमारे पास जनरल इसी का फॉर्मूला होता है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट अ हाइट अबव द ग्राउंड इज मेजर्ड बाई द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग इट अप टू दैट हाइट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि किसी भी बॉडी की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग इट अप टू द हाइट ऑफ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि F into S, बाद में हमें यही बात करनी है। तो फोर्स इज इक्वल, सॉरी, वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपकी बॉडी यानी कि mg के इक्वल हो जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप सरफेस, ग्राउंड सरफेस यानी कि अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाते हैं दैट इज कॉल्ड हाइट, तो आप डिस्प्लेसमेंट को h कंसीडर करते हैं। सो ओवरऑल वर्क डन इज इक्वल टू द mgh। तो यही mgh क्या हो जाएगा बेटा? आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। सो योर पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। पोटेंशियल एनर्जी को लेटर u से भी डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को लेटर u से भी डिनोट करते हैं, ये चीज दिमाग में रखिएगा हमेशा कि किसी भी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उस पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के और उसके थ्रू होने वाले डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द mgh। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन्हीं पोटेंशियल एनर्जी का,
पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट होती है, आइए इसको समझने की बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होती है। ठीक है, तो हम दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं। पहली हम क्या जानते हैं कि हमारे पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, हम इसका कन्वर्जन देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन इनटू काइनेटिक में देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि हमारे पास जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका भी कन्वर्जन काइनेटिक में कैसे होता है, समझेंगे। सबसे पहले का एग्जांपल आपको मिलता है ग्रेविटेशनल टू द काइनेटिक। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं इस हैमर की, ये हैमर आपको दिख रहा है, ये हैमर इस टाइम पोटेंशियल, ये ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पर है और ये रुका हुआ है, तो इस हैमर में इस टाइम जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। इस हैमर में इस टाइम जो एनर्जी स्टोर है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब ये हैमर ऊपर से नीचे आता है, जब ये हैमर को हम ऊपर से नीचे लाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस हैमर में एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो जब ये हैमर नीचे की तरफ आता है तो इसमें एक काइनेटिक एनर्जी आती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी इस हैमर में कहां से आई, भाई क्वेश्चन आ गया कि ये काइनेटिक एनर्जी इस हैमर में कहां से आई, तो ये काइनेटिक एनर्जी इस हैमर में ड्यू टू इट्स हाइट, उस हाइट की वजह से इस हैमर में एक पोटेंशियल एनर्जी थी और यही पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में हुआ और ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये हैमर ऊपर से नीचे की तरफ आने लगा। और जब ये हैमर और नीचे आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि हाइट डिक्रीज होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और एट लास्ट ये हैमर जब इस नेल पर स्टक होगा, यानी कि जब ये इस नेल पर स्ट्राइक करेगा तो ये उस एनर्जी को भी इस नेल में ट्रांसफर करके इस एनर्जी के थ्रू इस नेल को क्या करेगा, इस वुडन प्लैंक के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा। तो एक फोर्स अप्लाई होगा और ये नेल इसके अंदर जाएगी। सो अब यहां की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। खैर हमको इस मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब था कि इस हैमर में जो काइनेटिक एनर्जी आई वो कहां से आई, वो हैमर की पोटेंशियल एनर्जी, और हैमर में पोटेंशियल एनर्जी क्यों थी, कॉज ऑफ इट्स हाइट, इस हाइट की वजह से हैमर में पोटेंशियल एनर्जी थी और ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। इज दैट क्लियर। तो ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज होती है, जैसे देखिएगा ये एक पर्सन है, इसने बो ली हुई है, ये हमारी बो है। अब बो में एक स्ट्रिंग होती है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग के थ्रू ये क्या करता है, इस एरो को इस स्ट्रिंग पर रखकर इसको स्ट्रेच करता है, यानी कि ये क्या करता है, इसको पीछे की तरफ खींचता है यहां से और ये इसको स्ट्रेच करता है। तो जब ये इसको स्ट्रेच करता है तो इसमें इसकी स्ट्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है। और ये एरो पीछे की तरफ स्ट्रेच हो, सॉरी ये एरो को पीछे की तरफ खींचता है और जिसके थ्रू ये स्ट्रिंग स्ट्रेच होते हुए पीछे आती है। After then, जैसे ही ये अपने हैंड को यहां से रिलीज करता है, ये एरो आगे की तरफ निकलती है। तो इस एरो में अगर ये एरो आगे की तरफ निकलती है तो भाई इस एरो में तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो इस एरो में ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, क्वेश्चन ये आ गया। तो इस एरो में ये जो काइनेटिक एनर्जी आई थी वो इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आई थी। अब इस स्ट्रिंग में कौन सी पोटेंशियल एनर्जी थी, इस स्ट्रिंग में थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस एरो में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और इस तरीके से ये एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दैट इज द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंटू द काइनेटिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी, इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं। इज दैट क्लियर। फिलहाल आज के लिए लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाकी की चीजों के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनर्जी सोर्सेज की, उसमें कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। पहले सबसे पहले हमने बात की थी आज वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो जो चेंज इन, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके थ्रू जो वर्क डन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा, इसका हम लोगों ने प्रूफ भी देखा। ठीक है, ये था हमारा वेरिफिकेशन। सो वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट हम लोगों ने बात की फॉर्म्स ऑफ काइनेटिकल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल क्या होता है, स्ट्रेट बॉडी में मोशन करने वाली बॉडी जो एनर्जी पॉज करती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल। रोटेशनल रोटेटरी मोशन करने वाली बॉडी जो एनर्जी पॉज करती है दैट इज कॉल्ड रोटेशनल। इसके बाद आता है वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल मोशन करने वाली बॉडी जो एनर्जी पॉज करेगी दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से ये तीन टाइप की एनर्जी हम लोगों ने देखी। इसके बाद जो आता है एनर्जी का सेकेंड टाइप दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू इट्स पोजिशन। तो बॉडी की पोजिशन के लिए, ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन कॉन्फिगुरेशन, ठीक है, यहाँ पे मोशन नहीं होता, यहाँ पे रेस्ट होता है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी भी दो काइंड की होती है, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक, इसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है MGH। इसके बाद हम लोगों ने बात की कन्वर्जन की, तो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किस तरीके से काइनेटिकल एनर्जी में होता है इसको हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनर्जी सोर्सेज की। ओके, बाय बाय।